दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। इसको लेकर ICC ने बीसीसीआई से कहा कि मोदी सरकार से टैक्स में पूरी तरह से छूट लेने की बात करें, और अगर मोदी सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है तो बीसीसीआई को बतौर टैक्स ICC को 906 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं अगर भारत सरकार टैक्स में थोड़ी सी छूट देती है तब भी ICC को 227 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। टैक्स में छूट को लेकर ICC और BCCI के बीच विवाद काफी पुराना है। T20 विश्व कप इसी साल अक्टूबर में भारत में होना है। भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। वहीं टीम इंडिया ने केवल एक ही बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। ICC ने BCCI से केंद्र सरकार से बात करने और टैक्स में छूट लेने के लिए 31 दिसंबर 2019 और फिर 31 दिसंबर 2020 की तारीख दी थी। ये दोनों ही मौके BCCI ने गवा दिए हैं। वहीं अब ICC ने भारत को फरवरी के आखिरी तक का मौका दिया है, और भारत अगर यह मौका भी गवा देता है तो उसे ICC द्वारा T20 की मेजबानी छीनी जा सकती है। वहीं ICC ने भारत के विकल्प के तौर पर दुबई को चुना है। सूत्रों की माने तो BCCI ने केंद्र सरकार को टैक्स में छूट के लिए अर्जी दे रखी है, जिसे वित्त मंत्रालय ने अभी तक लटकाया हुआ है। D3 न्यूज़।